सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आ चुकी है कॉर्न्यू वीडियो के साथ एंड गेस व्हाट 2.9 का अपडेट आ चुका है एंड तुम्हारे भाई ने भी अभी जस्ट अपडेट कर लिया है। एंड अभी ऐसे में प्रॉब्लम ये रहती है ना कि गाइज जब भी कोई नया अपडेट आता है ना तो या तो बेसिक सेटिंग्स हमारी रीसेट हो जाती है या फिर कई सेटिंग्स ऐसी होती है जो हमसे गलती से जो है ना डिसेबल इनेबल हो जाती है और ऐसे में हमारा जो गेम प्ले ना वो बिगड़ जाता है। तो डोंट वरी गाइज, तुम्हारा भाई तुम्हें सारी बेसिक सेटिंग समझाने वाला है, चाहे वो पहले की हो या फिर अभी जो नई आई है ना अपडेट में, वो सेटिंग जो भी इंपॉर्टेंट होगी ना सब तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हारा जो गेम प्ले है ना वो बिगड़े ना एंड तुम वापस से गेम के मजे ले पाओ 2.9 अपडेट के साथ। तो गाइज हो सकता है कि वीडियो यार थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि मैं यहाँ पे ना कोई भी कट्स नहीं लगाने वाला हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ और सारी सेटिंग्स में तुम्हें अच्छे से समझा पाऊ ऑन द स्पॉट। तो सबसे पहले देखो ऊपर वाली जो सेटिंग्स होती है ना इनमें हमारे कोई भी काम की चीज़ नहीं होती है। ये जो तुम देख रहे हो फायर सेटिंग्स, इनमें हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, बस ये याद रखना कि तुम्हारा जो फायर बटन है ना ऑलवेज ऑन पे रहे वरना कभी कभी फायर बटन गायब हो जाता है, बाकी कोई भी सेटिंग यहाँ पे छेड़ने वाली है नहीं। अभी जो सबसे पहली जो सेटिंग है ना गाइस वो तुम्हें छेड़नी है वो ये रहने वाली है कैमरा रोटेशन व्हाइल ADS। अब ये तुम्हें पता होगा वैसे, बट जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। तो इनकेस अगर ये तुम्हारा अनेबल रह जाता है ना गाइस तो यहाँ पे जैसे मैं स्कोप बटन के ऊपर करता हूँ ना देखो रब तो मेरा एम भी हो रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब भी हम ऐसा एकदम से फाइट लेने होते हैं ना तो ये हमारा स्कोप ऐसे हिल जाता है पूरा। तो मेक श्योर कि तुम ये वाली सेटिंग को है ना ऑफ कर दो, इसका नाम है कैमरा रोटेशन व्हाइल ADS। अभी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो ये तुम देख लेना कि तुम किस पे खेलते हो, टैप पे खेलते हो, होल्ड पे खेलते हो, मिक्स पे खेलते हो। तो ये वाली जो सेटिंग है ना गाइस ये तुम्हें ऑन कर लेनी है क्विक स्कोप स्विच वाली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम फाइट ले रहे होते हैं अचानक से हमें रेड डॉट से जो है सिक्सेस पे करना होता है, फिर कोई भी स्कोप से है ना वापस से दूसरे स्कोप पे जाना होता है, तो ऐसे में ये जो चीज़ है ना ये काम आती है। अब यहाँ पे तुम्हें एक बटन मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं फटाक से 66 पे जा सकता हूँ, रेड डॉट पे जा सकता हूँ, तो बैग खोल के ना बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेक श्योर कि ये वाली सेटिंग भी तुम ऑन कर लो। एंड यहाँ पे ये सेटिंग की अगर बात करें फोकल लेंथ एडजस्टमेंट, तो ये क्या होता है ना कि अगर तुम इसे टैप पे रखते हो तो सपोज करो तुम्हारे पास 6x है, तो अभी मैं क्या करूँगा ना 6x को 3x बनाने के लिए टैप करूँगा और फिर इसको स्लाइडर को नीचे करूँगा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। अब इससे क्या होता है, अब जैसे ही है ना तुम्हें स्कोप खोलना है ऊपर नीचे तुम करना शुरू कर सकते हो, तुम्हें दबाने की जरूरत नहीं है बटन को बार बार, तुम जस्ट उस पर प्रेस करके रखो नीचे कर दो एंड तुम्हारा जो स्कोप है ना वो 3x बन जाएगा। एंड अगर नेक्स्ट सेटिंग की बात करें गाइस तो यहाँ पे पीक वाली सेटिंग्स है जो तुम्हें आई गेस पता होंगी पहले से, तो पीक्स इनेबल कर लेना क्योंकि अपडेट में क्या होता है ना कभी कभी डिसेबल हो जाती है पीक्स, तो इन्हें इनेबल कर लेना। एंड अगेन यहाँ पे तुम्हें होल्ड पे रखना है, मिक्स पे रखना है, टैप पे रखना है, ये तुम्हारी ऊपर है, मैं होल्ड पे रखता हूँ तो होल्ड पे ही कर लेता हूँ मैं। एंड पीक एंड ओपन स्कोप ये भी तुम्हें पता होगा, अगर एनेबल रखते हो तो तुम जैसे पीक करोगे तुम्हारा स्कोप भी खुल जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे डिसेबल करते हो तो पीक दबाते सिर्फ और सिर्फ पीक होने वाला है, स्कोप तुम्हें अलग से खोलना पड़ेगा। और अभी सबसे नीचे वाली सेटिंग इसको भी गाइस याद से डिसेबल कर देना, अनेबल हो चुका होगा शायद ये अपडेट में तुम्हारा, तो अगर चेक कर लेना अगर हो गया ना तो इसे डिसेबल कर देना। अब इससे होगा क्या कि अगर तुम पीक करके रखते हो तो तुम फिर भी स्वाइप करोगे ना तो भी स्वाइप हो रहा है, तो अचानक से तुम्हें फाइट लेनी है तो तुम्हारा ये मैसेज चौक हो जाएगा पूरा। अगर इसे डिसेबल कर देते हो तो पीक दबाओ कितना भी स्वाइप करो तुम्हारा एम जो है हिलने वाला ही नहीं है, तो मेक श्योर इसे डिसेबल कर दो। तो अभी जो हमारी बेसिक कंट्रोल्स है ना वो तो हमने पूरे जान लिए हैं, अभी चलते हैं थोड़े से एडवांस कंट्रोल्स में। तो यहाँ पे ना गाइस जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना वही मैं बताने वाला हूँ जो डिसेबल हो जाता है कभी कभी अपडेट्स में, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स यार पूरी बताने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो गाइस अगर सबसे पहली सेटिंग की बात करें जो तुम्हें एडवांस कंट्रोल्स में मिलेगी वो तुम्हारी स्प्रिंट सेंसिटिविटी चेक करना है। कभी कभी क्या होता है अपडेट करते हैं हमारा बंदा जो अच्छे से चल ही नहीं रहा होता है, तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो ये जो सेंसिटिविटी है इसको फुल कर लेना ताकि तुम्हारा बंदा आराम से जो है मूवमेंट वगैरह कर पाए। एंड बाकी ये तो तुम्हें पता ही है TPP व्यू FPP व्यू ये तुम्हारे फुल रहने चाहिए हमेशा। तो गाइस अगर नेक्स्ट एडवांस सेटिंग की बात करें जो तुम्हें चेक कर लेनी है वो ये रहने वाला है ऑटो हिट मार्क लोकेशंस। अब इससे क्या होता है ना कि जैसे ही तुम किसी भी एनिमी को हिट करते हो तो तुम्हारे टीममेट के पास ऑटोमेटिकली है ना उसकी लोकेशन चली जाती है, उस बंदे के ऊपर मार्क लग जाता है जिनके भी ऊपर तुमने शॉट्स लिए होंगे। तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव वगैरह ज़्यादा खेलते हो ना तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि तुम्हें ना बार बार मार्क नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैंने यहाँ पर बंदा नॉक किया है, तो तुम नॉक करते हो अगर तो ऑटोमेटिकली वो मार्क लग जाएगा, लेकिन इससे किल भी चोरी होता है। तो अगर तुम्हारी टीम में कोई भी किलचोर वगैरह है ना तो भाई मैं तो इसे डिसेबल ही रखता हूँ पर्सनली, तो तुम भी कर सकते हो डिसेबल। एंड गाइस जब भी जंप करवाना रहता है तो फॉलो अनफॉलो करने में बहुत जोर आता है, तो यहाँ पे ये तुम्हें ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट पैराशूट फॉलो। अब इससे क्या होता है कि एक मैच तुम खेल दो अगर उसमें कोई भी तुम्हारा बंदा फॉलो करवा के तुम्हें कुदवा रहा है तो जैसे ही तुम नेक्स्ट मैच खेलोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली अगर तुमने ये ऑप्शन एनेबल कर रखा है ना तो तुम्हारा जो बंदा है ना ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर लेगा, तो तुम्हें बार बार अनफॉलो अनफॉलो जो है नहीं करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि तुम इसे एनेबल रखो, मैं भी इसे एनेबल ही रखता हूँ।
तो गाइज अगर ये लाइन तुम्हें भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है, पता है मेरे साथ क्या होता है, जब ये शुरू शुरू में आया था ना तो मैंने इसको अनेबल करके खेला, तो जैसे मैं अनेबल रखता था तो जैसे मैं नीड हाथ में लेता हूँ बंदे मेरे सामने होते, तो इतना दिमाग तो लगाता नहीं था, तो मेरे को लगता था कि यार ये मैं नीड पॉप कर चुका हूँ, ऑलरेडी पिन कर चुका हूँ मैं नीड को, तो ऐसा कन्फ्यूजन तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम्हें जाना अपने एडवांस कंट्रोल्स में एंड थोड़ा सा तुम्हें नीचे आ जाना और यहाँ पे तुम्हें दिखेगी शॉर्ट थ्रोएबल ट्रैजेक्टरी लाइन, तो इसे तुम्हें जो है डिसेबल कर देना और यहाँ पे तुम देख सकते हो नीड मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है बट स्टिल कोई भी लाइन मुझे नहीं दिख रही है, जैसे मैं नीड पिन करूँगा तब मुझे लाइन दिखने वाली है, तो इसे तुम डिसेबल एनेबल कर सकते हो। एंड गाइज अगर बात करें नए ऑप्शंस की, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी इन्होंने डाला है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डिफॉल्ट मेली वेपन, तो अभी तुम्हें पता होगा कि दो तीन अपडेट से ऐसा हो रहा है ना कि हम जब भी पैराशूट से कूदते हैं ना नीचे कोई भी गेम में, तो हमें एक डिफॉल्ट वेपन मिलता है, या तो हमारे हाथ में चाकू रहेगा या फिर एक जो है तलवार दे देते हैं ये लोग, तो यहाँ पे तुम जो है चूज़ कर सकते हो तुम्हें मशेटी रखना है या फिर डैगर रखना है, तो वैसे तो मुझे दोनों ही नहीं रखने थे, ऐसा कुछ ऑप्शन दे देते भाई जिनसे मैं दोनों को ही डिसेबल कर पाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहता, बट हाँ तुम चूज़ कर सकते हो अभी कि तुम्हें कौन सा वाला जो है चाकू रखना है अपने साथ। तो गाइज अब ये वाला जो ऑप्शन है जिसका नाम है ऑटो इक्विप मेली वेपन्स, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन है, अगर तुम्हारा अनेबल है तो तुम एक प्रॉब्लम आ रही हो क्योंकि जैसे ही तुम्हारा बंदा है ना गन पीछे रखता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो मेली वेपन जो भी तुम्हारे पास रखा हुआ है, पैन रखा हुआ है तो पैन पकड़ लेगा, या फिर जैसे तुम अब गन लेते हो तो पीछे चला जाएगा एंड गन आ जाएगी, अब जैसे ही तुम रखते हो इसे तो पैन पकड़ लेगा वापस, तो इसे ऑफ कर देना ताकि ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, मेरे साथ हो रही थी तो मैंने इसे डिसेबल करने का यहाँ पे ढूंढा इसको, तो ये तुम्हें डिसेबल कर देना है। तो गाइज अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये भी तुम्हें नीचे मिलेगा एडवांस कंट्रोल्स में, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो रीलोड इंटरप्ट मेथड, अब ये पिछले वाली जो बेसिक सेटिंग वाली वीडियो थी ना उसमें भी मैंने तुम्हें समझाया था, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि तीन ऑप्शन मिलते हैं हमें, फायर इंटरप्ट, रीलोड इंटरप्ट एंड मिक्स्ड इंटरप्ट, तो अभी फायर इंटरप्ट पे मैं करता हूँ ना, तो सपोज करो मेरी गन में है ना कम गोली है तो मेरे को रीलोड लगाना है, अब उसी टाइम पे मेरे सामने बंदा आ जाता है तो मैं फायर करूंगा ना तो फायर हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने रीलोड लगाई एंड अब मैं फायर करता हूँ तो फायर हो रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर वो ऑप्शन तुम्हारा जो है ना किसी और पे तुम्हें रखा हुआ है, जैसे सोचो रीलोड पे रखा हुआ है, तो क्या होता है ना कि अगर तुम रीलोड लगाते हो तो तुम फायर बटन दबा लो कुछ भी नहीं होगा, पूरा रीलोड होके ही तुम्हारा फायर होने वाला है, लेकिन अगर तुम रीलोड वाले बटन को ही वापस दबाते हो तो तुम्हारी जो है ना गन चलने के लिए तैयार हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं रीलोड दबाता हूँ, फिर से रीलोड वाला बटन दबाया एंड रुक गया रीलोड, और फायर तुम कर सकते हो अभी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इसे है ना फायर इंटरप्ट पे ही रखो, मिक्स पे भी रख सकते हो, लेकिन अपन रीलोड वाले बटन को स्पैम करते हैं ना कभी कभी तो हो सकता है हमारा रीलोड रुक जाए, तो इसे फायर इंटरप्ट पे तुम्हें कर देना है। एंड या गाइस बाकी यार इतनी कोई ज्यादा सेटिंग्स हमें इस अपडेट में मिली नहीं है, अगर वाव मोड्स वगैरह मिलते हैं तो शायद हमें नई सेटिंग्स देखने के लिए मिलती, लेकिन अगर बेसिक सेटिंग्स की बात करी जाए तो इतनी ज़्यादा कोई हमें नई सेटिंग्स नहीं मिली है, ये इस वीडियो में मैंने वही सेटिंग्स तुम्हें बताई जो कभी कभी डिसेबल हो जाती है अपडेट्स में एंड जिनसे तुम्हारे गेम प्ले को सच में इफेक्ट पड़ सकता है, तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू जो सेटिंग्स है ना वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, ये जितनी भी सेटिंग्स मैंने बताई ये तुम्हें चेक कर लेना है, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा गेम प्ले एज यूजुअल चलने वाला है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।